स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फुल बॉडी हार्नेस का, जिसे हम सेफ्टी बेल्ट भी कहते हैं, उसका हम इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि वेल्डिंग मशीन का हम इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि गैस कटिंग सेट का इंस्पेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि स्टील बार बेंडिंग मशीन का हम इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने में ये जो है, ये फुल बॉडी हार्नेस है, जिसे हम सेफ्टी बेल्ट भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल ऊंचाई पर फॉल प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें फुल बॉडी हार्नेस में चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फुल बॉडी हार्नेस में जो लैनार्ड होती है, उसको हमें चेक करना होता है कि उसमें कहीं कटा तो नहीं है या फिर डैमेज तो नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि हमें उस लैनार्ड के साथ में जो शॉक एब्जॉर्बर है, यानी कि हम उसे शॉक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसको हमें चेक करना होता है कि वो डैमेज तो नहीं है, तो वो जो है वो सही कंडीशन में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि उस शॉक एब्जॉर्बर के ऊपर हुक होता है, जिसे हम स्नैप हुक कहते हैं, तो उस स्नैप हुक को हमें चेक करना होता है कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है डी रिंग को और होल्डिंग बकल को कि उसकी कंडीशन सही है कि नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो होल्डिंग बकल को, तो होल्डिंग बकल के ठीक पीछे में एक डी रिंग होता है, जहां से ये जो लैनर्ड है ये इसमें अटैच करके फंसाई जाती है। फिर उसके बाद है कि हमें बैक स्ट्रैप जो है वो चेक करना होता है कि उसकी कंडीशन सही है। फिर नेक्स्ट है कि हमें चेस्ट स्ट्रैप जो है उसकी कंडीशन सही है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। नेक्स्ट है कि हमें लेग स्ट्रैप जो है उसकी कंडीशन कैसी है, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है शोल्डर स्ट्रैप के कंडीशन को, यानी कि शोल्डर के ऊपर जो स्ट्रैप आती है उसको हमें प्रॉपरली चेक करना होता है कि उसकी जो कंडीशन है वो सही है कि नहीं है। अगर वो शोल्डर स्ट्रैप कहीं से कटा है या फिर डैमेज है, तो उस कंडीशन में हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना होता है। नेक्स्ट है कि हमें चेक करना होता है ड्यूरेबल स्टिचेस को कि उसकी कंडीशन जो है वो सही है कि नहीं है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। फिर उसके बाद है कि हमें चेक करना होता है एडजस्टेबल जो स्ट्रैप है मेटल बकल की, उसको कि उसकी जो कंडीशन है वो सही है कि नहीं है, ताकि जो स्ट्रैप होते हैं उसको हम एडजस्ट करके अच्छे से फिक्स कर सके। और फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है स्ट्रैप होल्डर को कि उसकी कंडीशन जो है वो सही है कि नहीं है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है हम इस फुल बॉडी हार्नेस का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने में ये वेल्डिंग मशीन है। जब भी हमारे साइड पर कोई अगर नई वेल्डिंग मशीन आती है या फिर दूसरे साइड से कोई अगर पुरानी वेल्डिंग मशीन आती है, तो उसको काम में लाने से पहले हमें उस वेल्डिंग मशीन का इंस्पेक्शन करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उस वेल्डिंग मशीन में हमें चेक करना है कि उसमें ऑन ऑफ जो नॉब है, यानी कि जिसे हम ऑन ऑफ की जो स्विच है वो कहते हैं, तो वो वहां पर है कि नहीं है, वो हमें चेक करना है। और उसमें चेक करना है कि उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए और वो प्रॉपरली इंसुलेटेड होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि वेल्डिंग मशीन में जो रेगुलेटर है उसके साथ में इंडिकेटर प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि जो वेल्डिंग केबल्स है जो हम कनेक्ट करते हैं वेल्डिंग मशीन के साथ में, तो उस वेल्डिंग केबल्स को जब भी हम वेल्डिंग मशीन के साथ में अटैच करते हैं लगाते हैं, तो वो जो जॉइंट्स है वहां पर लग्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि वेल्डिंग केबल्स का जो इंसुलेशन है, तो उसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि इलेक्ट्रोड रॉड का जो होल्डर है और अर्थिंग जो होल्डर है उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए और वो प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि वो जो वेल्डिंग मशीन है, तो उसमें जो हम पावर सप्लाई लगाते हैं, तो पावर सप्लाई के लिए वहां पर इंडस्ट्रियल टाइप जो प्लग है उसका ही वहां पर इस्तेमाल होना चाहिए, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि वेल्डिंग मशीन का जो इंटरनल लाइव इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स है वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए, वो फुल्ली कवर होना चाहिए, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि वेल्डिंग मशीन के लिए 30 mA ELCB का ही इस्तेमाल होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि वेल्डिंग मशीन की जो ट्रॉली है, तो ट्रॉली में जो व्हील्स लगे हुए हैं तो वो डैमेज नहीं होना चाहिए, वो हमें चेक करना होता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, ये हमें वेल्डिंग का जब भी हम इंस्पेक्शन करते हैं तो हमें चेक करने होते हैं।
तो दोस्तों आपके सामने में ये जो है ये गैस कटिंग सेट है जिसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरा एसिटिलीन सिलेंडर है। अब हमारे साइड पर जब भी नया गैस कटिंग सेट आता है तो उसका हमें काम करने से पहले सबसे पहले इंस्पेक्शन करना होता है। तो उस इंस्पेक्शन के दौरान हमने क्या पॉइंट्स चेक करने चाहिए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो भी सिलेंडर हमारे पास है तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव वॉल कैप है क्या, वो हमें चेक करना है। और वो जो वॉल कैप है उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए या फिर क्रैक नहीं होना चाहिए, वो हमें चेक करना होता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो वॉल है उसके ऊपर एक कैप लगी हुई है, लेकिन एसिटिलीन सिलेंडर का जो वॉल है उसके ऊपर कैप नहीं लगी है। तो यहाँ पर हमें देखना होता है कि दोनों सिलेंडर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव वॉल कैप होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि दोनों जो सिलेंडर है यानी कि ऑक्सीजन का और एसिटिलीन गैस का जो सिलेंडर है तो उसके ऊपर प्रेशर गेजेस लगे हैं क्या, वो भी दो, और वो भी वर्किंग कंडीशन में है क्या, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर फ्लैशबैक अरेस्टर लगे है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर एनआरबी यानी कि नॉन रिटर्न वॉल जो है वो प्रोवाइडेड किया है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि जो होजेस हैं यानी कि एसिटिलीन गैस का जो होज है और ऑक्सीजन गैस का जो होज है तो उन दोनों होज को टाइट किया है क्या, वो भी जुबली क्लैंप से, वो हमें चेक करना होता है। अब कई इंडस्ट्री में क्या होता है कि जुबली क्लैंप वहां पर अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन कई इंडस्ट्री में जुबली क्लैंप का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जब आप एडनॉक में काम करने के लिए जाते हो तो वहां पर जुबली क्लैंप का इस्तेमाल नहीं होता है गैस होजेस को टाइट करने के लिए। लेकिन अगर हम इंडिया की अगर बात करें तो वहां पर ज्यादातर कंपनी में जुबली क्लैंप का ही इस्तेमाल किया जाता है गैस होजेस को टाइट करने के लिए। तो वो प्रॉपरली टाइट है क्या, वो भी हमें यहाँ पर चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि जो भी दोनों होजेस हैं उसमें कोई भी डैमेज है क्या, वो हमें चेक करना है, यानी कि उसमें कोई कट है क्या या फिर क्रैक है क्या, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि दोनों सिलेंडर को ट्रॉली में रखा है क्या और वो जो दोनों सिलेंडर है उसको प्रॉपरली चेन के साथ सिक्योर किया गया है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है ट्रॉली के टायर के कंडीशन को और उसमें चेक करना है कि उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि इंडस्ट्रियल टाइप जो लाइटर है उसकी अवेलेबिलिटी है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है, यानी कि टॉर्च को लगाने के लिए हमारे पास इंडस्ट्रियल टाइप लाइटर ही होना चाहिए। वहां पर हमें मैच बॉक्स का हो या फिर कमर्शियल जो भी लाइटर्स हो उसका वहां पर इस्तेमाल नहीं करना होता है। और फिर उसके बाद है कि कटिंग सेट चेक होने के बाद हमें चेक करना है कि जो भी कटिंग एरिया है उसको प्रॉपरली बैरिकेडेड किया है क्या और उसमें वार्निंग बोर्ड जो है वो डिस्प्ले किया गया है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। तो इस तरीके से हम गैस कटिंग सेट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने में ये जो है ये बार बेंडिंग मशीन है जिसका हम इस्तेमाल ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट में स्टील को यानी कि बार को बेंड करने के लिए करते हैं। तो इस मशीन का हम इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो आइए पॉइंट वाइज जानते हैं। तो पॉइंट नंबर वन है कि मशीन के ऊपर क्लियरली आइडेंटिफाई किया गया है क्या कि उसका नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। तो वो जो बैच है वो वहां पर क्लियरली आइडेंटिफाई किया गया है क्या, वो हमें देखना होता है। जैसा कि आप मशीन के ऊपर पॉइंट नंबर जो वन है जो मार्क किया गया है उसके जरिए देख सकते हो। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर टू आता है कि जो मशीन है उसको फॉर्म जो बेस एरिया है उसके ऊपर इरेक्टेड किया गया है क्या, उसको आपको चेक करना है। जैसा कि आप इमेज में पॉइंट नंबर टू जो है उसको देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि मशीन को प्रॉपरली ग्राउटेड किया है क्या और उस मशीन के बेस को व्हील स्टॉपर लगाया है क्या, प्रोवाइड किए गए है क्या, वो भी आपको चेक करना है। जैसा कि आप इमेज में पॉइंट नंबर तीन को देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि मशीन के लिए बॉडी अर्थिंग प्रोवाइडेड किया है कि नहीं किया है, जैसा कि आप पॉइंट नंबर फोर में देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि मशीन के लिए जो हम पावर सप्लाई देते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, तो वहां पर एमसीबी या फिर ईएलसीबी से उसका पावर सप्लाई दिया है क्या, कनेक्टेड किया है क्या, वो हमें चेक करना होता है। जैसा कि आप इमेज में पॉइंट नंबर फाइव देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि इलेक्ट्रिकल केबल की कंडीशन जो है वो अच्छी है कि नहीं है, वो भी हमें चेक करना होता है। तो ये आप पॉइंट नंबर सिक्स में देख सकते हो।
फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि मशीन को गार्ड किया है कि नहीं किया है, जैसे कि मशीन के अंदर जो बेल्ट है या फिर अदर जो इंटरनल मूविंग पार्ट्स है वो कवर है कि नहीं है या फिर वो गार्डेड है कि नहीं है, वो भी हमें चेक करना होता है। तो पॉइंट नंबर 7 में आप ये देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि इमरजेंसी स्विच जो है वो अवेलेबल है क्या, और अगर अवेलेबल है तो वो वर्किंग कंडीशन में है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है, जैसा कि आप पॉइंट नंबर 8 में देख सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि पावर ऑन ऑफ स्विच जो है उसके साथ में जो इंडिकेटर लाइट है वो वहां पर अवेलेबल है क्या, और वो भी वर्किंग कंडीशन में, वो हमें चेक करना होता है, जैसा कि आप पॉइंट नंबर 9 में देख सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मशीन के दोनों साइड में हैंड गार्ड्स अवेलेबल है क्या, वो हमें चेक करना होता है, जैसा कि आप इमेज में पॉइंट नंबर 10 को देख सकते हो। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है लिमिट स्विचेस को कि वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, और ये जो लिमिट स्विचेस है ये जॉ प्लेट के दोनों साइड के नीचे होते हैं। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मशीन से कोई ऑयल लीकेज होता है क्या, वो हमें चेक करना होता है, जैसा कि आप इमेज में पॉइंट नंबर 12 जो है वो देख सकते हो। तो इस प्रकार जो है ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको पता होना चाहिए जब भी आपको बार बेंडिंग मशीन का इंस्पेक्शन करना हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि फुल बॉडी हार्नेस, वेल्डिंग मशीन, गैस कटिंग सेट और स्टील बार बेंडिंग मशीन का हम इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।